टेनिस बॉल ट्रीटेड एज हॉलो स्फेरिकल शेल स्टार्टिंग फ्रॉम ओ रोल्स डाउन अ हिल एट पॉइंट ए द बॉल बिकम्स एयरबॉर्न लिविंग एट एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट बी वॉट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ए बी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल शेल ऑफ मास एम रेडियस आर अबाउट इज डायमीटर 2/3 mr². ओके तो एक टेनिस बॉल है होलो स्फेरिकल शेल की तरह काम कर रही है और ओ से रोल करना रुक गया पॉइंट ए से ये एयरबोन हो गई यहाँ से ये हवा में छूटी फिर ये प्रोजेक्टाइल की तरह काम करेगी और ऐसे जाएगी तो यहाँ पर इसकी कुछ स्पीड होगी हमें ए बी निकालने को बोला हुआ है तो डिस्टेंस ए बी जो है वो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की तरह काम आएगा बेसिकली तो उसका फॉर्मूला लग जाएगा v² sin 2θ डिवाइडेड बाय जी तो हमें थीटा पता है जी पता है तो हमें वी निकालना है यहाँ पे तो वी हम निकाल सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से क्योंकि हाँ ठीक है एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं वी निकालने के लिए तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो स्टार्टिंग में इसके पास कितनी है एनर्जी कंजर्वेशन लगाया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ हाइट 2 मीटर थी फिर ये 0.2 मीटर वापस ऊपर आ गई तो हाइट टोटल डिफरेंस है 1.8 मीटर तो एम जी इंटू 1.8 मीटर ये तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया ये काइनेटिक एनर्जी में हमें मिल जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी रेस्ट से स्टार्ट किया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv² 1+k² / r² क्योंकि रोटेशनल भी है और ट्रांसलेटरी भी है दोनों आएंगे तो यहाँ पे m तो किसी काम का नहीं हमारे तो इधर से g की वैल्यू 10 लेता हूँ मैं तो 18 × 2 = v² और k² / r² 2/3 की इक्वल है तो 1+2/3 यानी 5/3 तो ये 5/3 ठीक है तो यहाँ से v² = हो गया 18 × 6/5 तो स्क्वायर हटा देंगे तो ये अंडर रूट में यार ओके थोड़ा सा और सॉल्व कर दूं इसे मैं तो 6 3 6 3 18 तो 6 यहाँ से 12 जाएगा अंडर रूट 3/5 बचेगा अंडर रूट 3/5 यानी 0.6 तो 6 अंडर रूट 0.6 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा बेसिकली ठीक है अब इसे आर के फॉर्मूले में लगाते हैं तो आर का फॉर्मूला हमने लिख ही लिया है इसको सॉल्व करते हैं आगे तो r इक्वल्स टू वी स्क्वायर तो चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसे 18 × 6/5 × sin 2θ तो साइन 30 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा तो अंडर रूट 3/2 / g यानी 10 ओके तो ये 100 तो 6 × 0.18 × 1.7 समथिंग ये आएगा तो बस इसको मल्टीप्लाई करना है जो भी बनता है यहाँ से वन पॉइंट सेवन या एट समथिंग आना चाहिए कुछ तो इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना एग्जैक्ट क्या आंसर